टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई मशहूर जोड़ियां हैं जिन्होंने सीरियल में रोमांस करते वक्त हमेशा अपनी उम्र का ध्यान रखा और हमेशा उन जोड़ियों ने एक दूसरे के बीच मौजूद उम्र के फासले का ध्यान रखते हुए ही रोमांस किया। लेकिन दोस्तों वही टीवी इंडस्ट्री की कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो पर्दे पर रोमांस करते हुए इतने ज्यादा मशरूफ हो गई हैं कि वो जोड़ियां एक दूसरे के बीच मौजूद उम्र के फासले को पूरी तरह से भूल गईं और एक दूसरे के साथ रोमांस में पूरी तरह से खो गईं। इसलिए आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन जोड़ियों से रूबरू कराने वाले हैं जो रोमांस करते वक्त अपनी उम्र के फासले को भूल गई थी। चलिए मिलते हैं उन सभी जोड़ियों से। नंबर 1, प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नजर आ रही प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा की प्यारी सी जोड़ी पर्दे पर शानदार केमिस्ट्री पेश करते हुए और रोमांस करते हुए दिखाई देती है, मगर आपको बता दें कि इन दोनों के बीच 15 साल का एज गैप है। नंबर 2, शक्ति अरोड़ा और राधिका मदान। मेरी आशिकी तुमसे ही सीरियल में नजर आई शक्ति अरोड़ा और राधिका मदान की जोड़ी के बीच का रोमांस तो हर किसी को याद है, जिसने हर किसी के दिल पर काबू कर दिया। मगर आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में 7 साल का उम्र का फासला था, मगर इसके बावजूद भी दोनों ने शानदार तरीके से पर्दे पर अपने किरदार को निभाया। नंबर 3, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस में नजर आए शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी के बीच भी हमें जमकर हंसी मजाक, खेल कूद और थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिला था, पर आपको बता दें कि पर्दे पर एक दूसरे के साथ रोमांस करने वाली इस जोड़ी के बीच उम्र का 12 साल का अंतर था, मगर इसके बावजूद भी सभी ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया। नंबर 4, करण वी ग्रोवर और प्रियंका चाहर चौधरी। टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर और प्रियंका चाहर चौधरी ने सीरियल उदारिया में साथ में रोमांस किया। जहां एक्टर 40 साल के हैं तो वहीं प्रियंका महज 25 या 26 की ही हैं। मगर उम्र के इतने फासले के बावजूद भी दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नंबर 5, नील भट्ट और आयशा सिंह। सीरियल गुम है किसी के प्यार में नजर आ रही नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी के बीच उम्र का 8 साल का फासला है, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों अपनी उम्र के इस फासले को अपनी केमिस्ट्री से जाहिर नहीं होने देते। इन दोनों की केमिस्ट्री हमेशा ताजगी भरी दिखाई देती है। नंबर 6, सहबान अजीम और रीम शेख। तुझसे है राब्ता सीरियल में नजर आई सहबान अजीम और रीम शेख की जोड़ी ने पर्दे पर शानदार प्रदर्शन किया था और अपने रोमांस से हर किसी के दिल पर काबू कर लिया था, मगर बता दें कि इन दोनों के बीच में उम्र का 15 साल का फासला है। इसके बावजूद भी दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती है। नंबर 7, सुम्बुल तौकीर और फहमान खान। इमली के फहमान खान की उम्र जहां 31 साल की है तो वहीं सुम्बुल तौकीर की उम्र अभी 20 वर्ष भी नहीं हुई है। इसके बाद भी दोनों की जोड़ी ने सीरियल में धूम मचा कर रखा है और अपनी प्यार भरी लव स्टोरी से दर्शकों को लुभा रही है। नंबर 8, एरिका फर्नांडिस और शहीर शेख। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी एरिका फर्नांडिस और शहीर शेख के बीच में उम्र का 9 साल का फासला है, मगर इसके बावजूद भी दोनों की जोड़ी पर्दे पर बहुत अच्छी लगती है और दोनों की शानदार लव केमिस्ट्री को भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। नंबर 9, प्रियल महाजन और अमर उपाध्याय। मोलक की सीरियल में नजर आई प्रियल महाजन और अमर उपाध्याय की जोड़ी के बीच लगभग 25 साल का एज गैप था। जी हाँ, जहाँ प्रियल महाजन 19 साल की थी तो वहीं अमर उपाध्याय 44 साल के हैं, पर इसके बावजूद भी दोनों ने सीरियल में पति पत्नी का किरदार निभाकर एक जोड़ी के रूप में खूब सुर्खियां बटोरी और अपने प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। नंबर 10, सुरभि चांदना और नकुल मेहता। सीरियल इश्कबाज में नजर आए अनिका और शिवाय सिंह ओबराय यानी सुरभि चांदना और नकुल मेहता की जोड़ी के बीच 7 साल का एज गैप था, पर किसी को भी इस जोड़ी ने अपने उम्र के फासले के बारे में पता चलने नहीं दिया और इस कदर रोमांस का जादू चलाया कि आज भी दर्शक इस जोड़ी को याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी पसंद है आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।